हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ShotOn Gamers में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी बेस्ट ऑटो हेडशॉट के लिए सेंसिटिविटी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। ऑटो हेडशॉट का मतलब होता है ड्रैग हेडशॉट, क्योंकि ऑटो हेडशॉट तो सिर्फ हैकर मार सकते हैं। ड्रैग हेडशॉट में बहुत अच्छी सेटिंग्स है मेरे पास, तो आप देख लो। यहाँ पर जो आपका जो जनरल होता है उसे आपको 30 रखना होगा, जनरल को 30, इसलिए ताकि आपका स्क्रीन ज़्यादा टिल्ट ना हो। और जो आपका ये रेड डॉट है दोस्तों, इसे आपको 60 रखना है ताकि हेडशॉट लगे ऊपर ड्रैग होने से। और 2x स्कोप को आप 65 रखोगे, और जो ये 4x स्कोप है इसे भी आप 65 रखोगे। तो दोस्तों, AWM स्कोप आप कितना भी रख सकते हो। और अब आप पूछोगे कि 2x स्कोप और 4x स्कोप सेम क्यों। तो दोस्तों, ये 2x स्कोप और 4x स्कोप होते हैं, इनमें इसलिए सेम रखा है क्योंकि 2x स्कोप में कम चांसेस होते हैं हेडशॉट लगने के लिए, इसीलिए इसे कम भी नहीं रखा है, ज़्यादा भी नहीं रखा। और 4x स्कोप में और रेड डॉट में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ऑटो हेडशॉट लगने के, ड्रैग हेडशॉट लगने के। तो आप इसे ट्राई करना रेड डॉट और 4x स्कोप यूज़ करके। और जनरल 30 इसीलिए रखा है क्योंकि मैं 4GB रैम यूज़र हूँ। आप 3GB रैम यूज़र हो तो 60 रख सकते हो जनरल, और 1 to 2GB रैम हो तो 100 रख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस सेटिंग्स की स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप भी ये सेटिंग्स रख सको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।